नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू विद सेकेंड सॉन्ग cos 38, cos 52, sin 38, sin 52. Okay, we do have the formula. Cos theta is equal to sin 90 minus theta. And sin theta is equal to cos 90 minus theta. ठीक है, अब सबसे पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, ये जो 38 है उसको यहाँ पे थीटा की जगह पे पुट कर देते हैं. तो वी विल हैव कोस 38 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 38. सेम थिंग ओवर हियर, साइन 38 इज इक्वल टू कोस 90 माइनस 38. ठीक है, अब cos 38 will remain as it is, sin 90 minus 38, that can be written as sin 52. So cos 38 की जगह पे हम लिख सकते हैं sin 52. Same thing, sin 38 will remain as it is, cos 90 minus 38, यानी कि ये हो गया cos 52. तो हम sin 38 की जगह पे लिख सकते हैं cos 52. So from this, cos 38 की जगह पे हम लिख देंगे sin 52. और ये वाला cos 52 जो है वो एज इट इज माइनस sin 38 की जगह पे हम लिख देंगे cos 52, sin 52 जो है वो रिमेन एज इट इज. तो ये sin इंटू cos, ये भी cos इंटू sin, एंगल जो है वो सेम है, यानी कि दिस एंड दिस विल गेट कैंसल एंड आंसर विल बी जीरो. क्लियर?